गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारी कॉन्ट्रैक्ट की तीसरी क्लास है। और बताइए कैसे आप सब? बढ़िया। मैं भी बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया ही होंगे। और घटिया हो भी गए तो क्या ही हो जाएगा, तो क्या ही कर लेंगे हम उससे, है ना भाई? सही बात है या नहीं? मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए थे यार। कहाँ है वो नोट्स? ये देख, ये देखो नोट्स, देखना आप, कलरफुल नोट्स, बढ़िया एकदम जहर। क्या आपको नोट्स दिख रहे हैं? अब हमें इसको जूम करना है, पर जूम कैसे होगा? देर इज एनी फैसिलिटी फॉर जूम? तो गूगल खुल गया, ऐसे होगा ये बेटा, इधर उधर नहीं होना, जूम होना। अब ठीक है। चलिए तो ये दोस्तों आपको नोट्स मिल जाएंगे, दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारे नोट्स आपको आपके हैंड में मिलेंगे, बढ़िया से कलरफुल वाले नोट्स ही मिलेंगे। तो नोट्स नोट्स के लिए ना रोए, ये मिल ही जाने, एक ना एक दिन तो आपके हाथ में होंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपसे क्या कराया था उसके सामने देखो, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कराया है। अच्छा, ये नोट्स जो है यहां पर गलत लिख दिया है, सीएमए फाउंडेशन, ये फाउंडेशन इंटर दोनों के लिए है, ये नहीं आएगा यहां पर। ठीक है जी, ठीक है, ये भी ठीक है, फाउंडेशन है, पर इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये नोट्स है। अगर कोई इंटर की तैयारी करना चाहता है तो वो इन नोट्स से तैयारी कर सकता है, क्योंकि सेम है बिल्कुल, फाउंडेशन में जो है वो इंटर में भी है, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। सबसे पहले का चैप्टर मेरा है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है ना? ये वाला पहला चैप्टर, जिसके अंदर मैंने तीन भागों में बांटा था चैप्टर को, एक तो एसेंशियल एलिमेंट में, एक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, एंड एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में। तो बेसिकली हमारा एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। पहला सेक्शन आपको क्या बताता है बताओ? एप्लीकेबिलिटी ऑफ एन एक्ट, ये पर्टिकुलर एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा, ये पर्टिकुलर एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले का। एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872 एंड दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट इंडिया में लागू किया गया है, पूरी इंडिया में लागू होगा और जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, मैंने अलग से लिख दिया है पर लिखने की नीड नहीं है। अगला हमारा है सेक्शन टू, जिसका नाम है डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर सेक्शन टू में सबसे पहले पढ़ा है हमने कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहां लिखी है? सेक्शन टू सब सेक्शन एच में। और कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या कहता है? एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल है दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। सर ये एग्रीमेंट मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलकर बनता है, ये सारी बातें मैंने आपको लिखवा दी थी नोट्स के अंदर, ये अलग से दे भी दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलकर बनेगा? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट का मतलब होता है एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, एंड इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब हो गया कि वो दोनों पार्टी के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उनको अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। अगर किसी भी पार्टी ने अपनी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी तो अगली पार्टी उस पर केस कर सकता है।
दैट इज कॉल्ड इनफोर्सिबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलकर बनता है एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी से। द अबव डेफिनेशन अगर आप देखो तो उस डेफिनेशन के अंदर दो एसेंशियल एलिमेंट मिल रहे हैं। मैंने आपसे यह भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में दो एसेंशियल एलिमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है और एक इनफोर्सिबिलिटी है। यहां मैंने लिख भी दिया है कि एक एग्रीमेंट है और एक इनफोर्सिबिलिटी। अब ये इनफोर्सिबिलिटी क्या होता है, तो यहां लिखा है मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। ऐसे भी दिख रहा है आपको, ऐसे भी साफ दिख रहा है। चलो एक काम करता हूं, और क्लियर दिखेगा आपको। एक काम कर सकते हैं हम, क्या काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, और वो ये कर सकते हैं कि इसको ऐसे खोल लें। लो भाई अब मुझे बता आपको कितना साफ दिख रहा है। अब तो मतलब जहर, अब और क्लियर दिख रहा होगा आपको। कतई जहर। अच्छा कल बच्चे ग्रुप में लड़ रहे थे, कह रहे थे एक टीचर ने तो बताया हमें कि जो डेफिनेशन सेक्शन, जो सेक्शन टू है वो सब सेक्शन एच ना होकर क्लोज होगा। इस बात पे बच्चे लड़ने लगे, ठीक है। अब सर ये सब सेक्शन है या क्लोज है ये क्या होगा, ये डिपेंड करता है इसके डेफिनेशन पे। अगर ये डेफिनेशन किसी और डेफिनेशन पे इंटरलिंक नहीं कर रही, अगर ये डेफिनेशन किसी और डेफिनेशन पे इंटरलिंक नहीं करती तब तो ये क्लॉज है, और अगर ये डेफिनेशन किसी और डेफिनेशन पे इंटरलिंक कर रही है तो ये फिर सबसेक्शन है। सबसेक्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, कि अगर सबसेक्शन टू सबसेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, आपको सभी पढ़ने पड़ेंगे तभी आप एक पर्टिकुलर चीज पढ़ पाओगे। अब कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट का सबसेक्शन है एच। एच कब आएगा, पहले मुझे ए पढ़ना होगा, बी पढ़ना होगा, सी, डी, ई, एफ और जी, और देन एच आएगा। मतलब एच सेक्शन पढ़ने के लिए मुझे यह पढ़ना कंपलसरी है क्या? अगर मैं नहीं भी पढ़ूं तो क्या मुझे समझ में आ जाएगा? अगर मैं इन सेक्शन को नहीं भी पढ़ता और ये समझ में आ जाए तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, उसको क्लॉज कहेंगे। अगर मैं इनको ऊपर वाले को ना पढ़ूं और डायरेक्टली ये पढ़ूं तो क्या बोल दूंगा, डायरेक्टली क्लॉज है फिर ये। अगर मैं डायरेक्टली सेक्शन टू सबसेक्शन मतलब एच पढ़ लूं, टू एच, एच पढ़ लूं और पढ़कर ये समझ लाऊं कि इनका कोई भी रोल नहीं है उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, उस पर्टिकुलर एच के अंदर, तब तो ये क्लॉज बोलेंगे। पर अगर इस पर्टिकुलर एच के अंदर रोल है ऊपर वाले सेक्शन का तो फिर वो क्लॉज नहीं, वो सबसेक्शन है, क्योंकि इस बारे वाले सेक्शन के बिना ये आप नहीं पढ़ सकते। अब मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ाई, अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी है सेक्शन टू एच में। अब ये एच सबसेक्शन है या क्लॉज है? अब एच सेक्शन, एच जो है वो क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों, एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी। अब एग्रीमेंट कैसे पढ़ते हैं, एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इज अ सम ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर की डेफिनेशन लिखी है ए में और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लिखी है बी में। जब तक आप ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं पढ़ोगे तब तक आप एग्रीमेंट नहीं पढ़ पाओगे। एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ना नीड है, बिना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के एग्रीमेंट नहीं समझ सकते। और जब तक आप एग्रीमेंट नहीं समझेंगे तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ सकते। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं इन ऊपर वाले सेक्शन में इंटरलिंक है, इसलिए इसको सबसेक्शन कहा गया, क्लॉज नहीं। अगर मैं बात करूं सिर्फ ऑफर की, अगर मैं बात करूं ये सिर्फ ऑफर की बात करूं तो ये ऑफर जो है ये इंटरलिंक है, इसके इसको पढ़ोगे एक बारी में समझ में आएगा ये किसी दूसरे सेक्शन पर लिंक नहीं कर रहा, इसलिए इसको क्लोज कहेंगे। डिपेंड करता है कि अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने से पहले हमें और सेक्शन की भी नीड है और सेक्शन उस पर इंटरलिंक कर रहे हैं तब तो वो सबसेक्शन होगा, अदरवाइज वो क्लोज होगा। और कुछ भी कह दो यार, कोई कोई तो सबसेक्शन क्लोज कहता ही नहीं, कहता है सेक्शन टू एच खत्म। ले हमसे क्या पूछेगा तू, हम ना तो क्लोज कहेंगे ना सबसेक्शन कहेंगे, हम तो टू एच कह देंगे। अब बता क्या है, अब जो तुझे अच्छा लग रहा है वो मान ले, अब जो तुझे अच्छा लग रहा है भाई वो मान ले। हम तो क्लोज कहेंगे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हमने तो छुट्टी कर दी। मुझे छुट्टी दे दो भैया, मुझे छुट्टी दे दो। समझ में आ गया, क्लियर है?
अब आ जाइए आगे। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में दो बातें एसेंशियल है, पता कौन कौन सी दो बातें एसेंशियल है, मतलब दो बातें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहला आता है एग्रीमेंट, एक आता है इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, एक आता है एग्रीमेंट और एक आता है इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है ना। एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट लिखा है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में, ई एफ जी एच, ओ हो मतलब एच सेक्शन हम तब पढ़ पाएंगे, एच वाला पॉइंट हम तब पढ़ पाएंगे, उससे पहले हमें ऊपर के करने पड़ेंगे, उसके बिना एच नहीं पढ़ पाओगे आप, इसलिए वो सबसेक्शन है, क्लॉज नहीं। अब बोलने वाला इंसान तो कुछ भी कह रहा है भैया, ठीक है ना, तो आप भी कुछ भी कह दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ये कौन सा पेपर में आने वाला है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसीडरेशन से समथिंग इन रिटर्न फॉर ईच अदर इज नोन एज एन एग्रीमेंट। कहता है हर वो प्रॉमिस या हर वो सेट ऑफ प्रॉमिस, एग्रीमेंट क्या है, एक तरीके का प्रॉमिस। भाई प्रॉमिस क्या है, कैसे बनता है, आपने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, तो उसको कहते हैं प्रॉमिस। जब एक ऑफर एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट हो जाता है उसको प्रॉमिस कहा जाता है, जब एक ऑफर दोस्तों एक्सेप्ट हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रॉमिस कहा जाता है। और प्रॉमिस हो, एक प्रॉमिस हो या एक से ज्यादा प्रॉमिस हो, वो सारे के सारे प्रॉमिस एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि वहां ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वहां क्या है दोस्तों, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या बताया था मैंने, कि भाई ऐसा एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, मस्ट गिव राइज अ लीगल ऑब्लिगेशन विद इन मीन विच मीन ड्यूटी। एक एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा जब उसके अंदर इनफोर्सिबिलिटी होगी। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब होता है दोनों पार्टी या दो से ज्यादा पार्टी हो या दो पार्टी हो, दोनों पार्टी के अंदर लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, मतलब दोनों पार्टी को यह पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है, अगर हमने एक्सेप्टेंस दी है तो हमें इसके व्यापार काम भी करना है जिस चीज के लिए हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं एग्रीमेंट क्या है, तो एग्रीमेंट एक ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इधर देखना जरा, कॉन्ट्रैक्ट है एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी, और एग्रीमेंट मिलकर बनता है दो चीजों से, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इनफोर्सिबिलिटी, है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इनफोर्सिबिलिटी, ठीक है जी। ऐसा एग्रीमेंट जहां पर इनफोर्सिबिलिटी होती है, वो एग्रीमेंट एक तो कमर्शियल नेचर का होना चाहिए, डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर ही नहीं होते, डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं कवर होते। ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल बाय लॉ हो, अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो अगली पार्टी उस पर केस कर सकती है, दैट इज कॉल्ड इनफोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ कमर्शियल ही एग्रीमेंट कंसिडर किए जाते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट कंसिडर नहीं होते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को कमर्शियल लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमर्शियल लॉ, इनको कमर्शियल लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट के लिए प्रोविजन नहीं लिखे, कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट के लिए प्रोविजन लिखे गए हैं। बताइए सर, यहां तक बात समझ में आ गई, क्योंकि ये कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट है के बारे में बताता है, कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट के बारे में सारे सेक्शन सारे सबसेक्शन बताते हैं, जो भी रूल्स है रेगुलेशंस है, वो इस वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ गुड्स नेगोशिएबल को क्या कहा जाता है, कमर्शियल लॉ कहा जाता है। इनको प्यार से मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, मर्केंटाइल मतलब वो कानून जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं, मतलब जहां पर लेन देन होती है डोमेस्टिक, घर घर की बात नहीं कर रहे यहां पर, घर की बात है, घर कोई कमर्शियल नेचर नहीं है, जहां आपस में लेन देन हो रहा है वहां, आपने मेरे से क्लास ली, मैंने आपसे पैसे लिए, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने आपको प्रपोजल का मतलब भी बताया था कि प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल वो होता है जब कोई पर्सन अपनी इच्छा जाहिर करता है किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने के लिए। किसी चीज को करने के लिए क्या एग्जाम्पल देता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, ये एग्जाम्पल दिया था। किसी चीज को ना करने के लिए क्या एग्जाम्पल दिया था, मैंने कहा था कि भाई आप कोर्ट मत जाओ, मैं आपको इतना कंपनसेशन दे दूंगा जब एक्सीडेंट हुआ था, याद आ रही है आपको बात है। तो ऑफर क्या है, प्रपोजल क्या है,
जब एक पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने के लिए, वो इच्छा है, वो विलिंगनेस क्या है, ऑफर है, उसी को प्रपोजल कहते हैं। प्रॉमिस क्या है, व्हेन वन पर्सन टू होम द ऑफर प्रपोजल इज मेड, जब एक पर्सन जिसने ऑफर दिया है, जिस पर्सन को दिया है, अगर वो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस। जब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको प्रॉमिस कहते हैं, जब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसको प्रॉमिस कहते हैं। तो इसलिए लिखा कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाएगा क्या बन जाएगा, वो प्रॉमिस बन जाएगा। ऑफर और एक्सेप्ट हो जाएगा तो प्रॉमिस बन जाएगा, और जैसे ही वो प्रॉमिस बना ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट बन गया, ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। इतनी बातें भी आपको समझ में आ गई है, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोमिसर और प्रोमिसी में क्या डिफरेंस होता है, ऑफरर और ऑफरी में क्या डिफरेंस होता है। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज प्रोमिसर, वो पर्सन जो ऑफर दे रहा है, वो ऑफरर या फिर प्रोमिसर है, और वो पर्सन जो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रोमिसी या फिर ऑफरी है, एक ही मीनिंग है। और ये मीनिंग लिखा है दोस्तों सेक्शन टू सब सेक्शन बोल लो या क्लोज कह लो, जो भी आपको ठीक लगे, सेक्शन टू सब सेक्शन सी, ठीक है। चलिए अब यहां तक मैं आपको पढ़ा चुका था, अब एक इंपॉर्टेंट केस मैंने आपसे बताया था जब मैं आपको लॉ की डेफिनेशन सिखा रहा था, तो लॉ की डेफिनेशन में देखो, जब ये नोट्स मैं आपको दूंगा ना तो ये नोट्स का प्रिंट निकालोगे, प्रिंट निकालने में आपको इतनी जगह खाली छूटी नजर आएगी, तो इस जगह पर आपको मेरे बताए हुए एग्जांपल जो मैं भी लिखने वाला हूं वो उतारना होगा। मैंने आपको जब बेसिक ऑफ लॉ करा रहा था तो मैं आपसे कह रहा था कि लॉ एक वाइडर टर्म होता है, लॉ के अंदर आते हैं एक्ट, लॉ के अंदर आते हैं केस स्टडीज, लॉ के अंदर आते हैं आपके पास रूल्स, लॉ के अंदर आपके पास नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डिनेंस, ये बहुत सारी चीजें, अमेंडमेंट्स, ये सारी चीजें आती है। यहां पर एक बार और मैंने बताई थी, जब ऐसा कोई क्या कहते हैं डिस्प्यूट आ जाता है, उस डिस्प्यूट के बारे में कभी भी कानून में नहीं लिखा गया कि इस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो जज साहब उस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं अपना दिमाग लगाकर। अब जब वो डिस्प्यूट सॉल्व होता है तो जो उसका डिसीजन होता है वही डिसीजन लॉ बन जाता है, कि ऐसे डिस्प्यूट अगर इन फ्यूचर आएंगे तो इस केस में जो डिसीजन दिया गया होगा वही डिसीजन अब हर केस में एप्लीकेबल हो जाए, इसको कहते हैं केस लॉ। क्या कहते हैं इनको, केस लॉ। दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूं केस लॉ बोल लो या केस स्टडी कह लो, ठीक है जी। दो पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ, वो पहुंचे कोर्ट जज साहब के पास, दोनों पार्टी ने अपने अपने पक्ष रखे। अब जज साहब को समझ नहीं आ रहा कि इस किस पे किसके फेवर पे डिसीजन दिया जाए, किसके लिए बोला जाए, किसके फेवर में दिया जाए आपका डिसीजन, मतलब किसको जिताया जाए, किसको हराया जाए। अब जज साहब ने सारी कानून की किताब खोल ली, उनको कहीं नहीं मिला कि ऐसे डिसीजन में क्या आंसर होना चाहिए, मतलब ऐसे डिस्प्यूट में हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। भाई जज साहब भी तो अपने हिसाब से थोड़ा आंसर देंगे, जज साहब तो भैया जैसे कानून कहेगा उस हिसाब से अपना डिसीजन सुनाएंगे, है ना। जज कानून में जो लिखा होगा उस बेसिस पर डिसीजन दिया जाएगा। अब जो डिस्प्यूट उन दो पार्टी के बीच का आया, तो उन दो पार्टी ने जो डिस्प्यूट लेकर आए उस डिस्प्यूट के बारे में किसी भी कानून में नहीं लिखा था। अब जज साहब अपना डिसीजन दे तो किस बेसिस पर दे, पता ही नहीं जी। अब जज साहब ने फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, है ना, डॉक्यूमेंट्स जो भी है, क्योंकि कानून अंधा क्यों होता है, कानून सबूत मांगता है, सबूत मींस फैक्ट्स, तो फैक्ट्स को, एविडेंस को ध्यान में रखते हुए जज ने डिसीजन दिया किसी एक पार्टी के फेवर में। अब सिमिलर नेचर के डिस्प्यूट इन फ्यूचर कभी आएंगे तो ये वाला केस जो हुआ था जिसपे जज ने डिसीजन दिया, ये वाला केस अब हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड केस लॉ। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट जो पहली बार हुआ है और किसी भी कानून में नहीं लिखा और उसका डिसीजन दिया जा रहा है जज द्वारा, तो वो डिस्प्यूट का बन जाएगा केस लॉ।
ऐसे सिमिलर नेचर के डिस्प्यूट इन फ्यूचर आएंगे तो इसी केस लॉ का रेफरेंस लगाकर डिसीजन देंगे अगले जज। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया केस लॉ क्या होता है। ऐसी दोस्तों एक केस आया था बालफर वर्सेस बालफर का केस 1991 में। अब इस केस के अंदर क्या हुआ वो समझते हैं। बालफर वर्सेस बालफर, एक हस्बैंड है एक वाइफ, बालफर वर्सेस बालफर केस। सर अगर फर्स्ट केस लॉ रॉन्ग हो तो उसे चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो फिर अगले केस जो आएगा उसके फैक्ट्स को, उसके एविडेंस को ध्यान में रखते हुए सुनाया जाएगा। बस रेफरेंस ले सकते हैं कि सिमिलर नेचर का केस है, सब कुछ सेम है, सब कुछ चीजें सेम है, 100% कॉपी हो रहा है, तो भैया इसमें जो डिसीजन दिया गया था वही अब डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इसका एग्जाम्पल दे देता हूं आप समझ में। मान लो सत्यम सिगरेट पी रहा है, ठीक है, सिगरेट पी रहा है और विशाल उसके सामने आ गया एक बार, तो सत्यम ने सिगरेट पी के धुआं उसके मुंह पर डाल दिया, ऐसे करके विशाल चक्कर आगे गिर गया। अब विशाल ने कहा कि भाई ये क्या ड्रामा हुआ, भाई मैं सिगरेट पीता ही नहीं, सत्यम सूखे जा रहा है भाई। सत्यम ने रुकता, सत्यम ने एक पैकेट लिया, दो पैकेट लिया, तीन पैकेट लिया, सिगरेट फूके जा रहा है विशाल सामने, फू करके फूक दे रहा उसके मुंह पर, अरे हमसे पंगा लेगा क्या। अब विशाल परेशान हो गया, विशाल ने जाकर कोर्ट केस कर दिया सत्यम के ऊपर। साहब देखिए सिगरेट पीकर मेरे मुंह पर फूक मांग रहा है, इससे मेरा चक्कर आ गया है, मेरे को रहा नहीं गया, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं गिर गया वहां पर, बेहोश हो गया, क्या पता कुछ हो जाता तो। जज साहब मैं अब मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हूं। अब जज साहब ने कहा कि भाई इधर आ, क्यों सिगरेट पिया? जज साहब वो कह रहा है कि सर सिगरेट पीना मना थोड़ी ना है, सिगरेट पीना अगर मना होता तो गवर्नमेंट सिगरेट बेचती क्यों। विशाल कहने लगा कि सर सिगरेट जो आपने पी है, सर सिगरेट जो इसने पी है तो पी, मेरे मुंह पर फूकने की क्या जरूरत है। विशाल अपनी बात रख रहा। अब सत्यम कह रहा है सर मैं तो फूक रहा था ऊपर, यही सामने आया, मैंने थोड़ा बोला था इसको सामने आने को, मैं तो फूक रहा यही सामने आया। विशाल कह रहा है सर सामने आ गया चलो ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा कि बार बार फूकेगा, एक बार थोड़ा फूका, 10 बार फूक दिया मेरे ऊपर, इसको पता है सामने मैं खड़ा हूं, ये बहस चल रही है। जज साहब सुन रहे, जज साहब किताबें खोल रहे, कहां लिखा है ऐसा, सिगरेट अगर मुंह फूलेंगे तो कितने का जुर्माना लगेगा? कहीं नहीं लिखा, ये कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई पर्सन सिगरेट पीकर कहीं किसी के मुंह पर फूक मारे, सिगरेट का धुआं फेंके जानबूझकर, तो उस पर कितने का जुर्माना लगाना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। अब उस फैक्ट को ध्यान में रखते जज साहब ने डिसीजन दिया कि भैया विशाल ठीक कह रहा है, आपने जानबूझकर सिगरेट का धुआं उसके मुंह में फेंका है, उसको इस चीज से प्रॉब्लम हुई है, इसलिए आपसे 10,000 का चालान लिया जाएगा। अब ये बन गया केस लो। सिमिलरली ऐसे ही एक बार अंजलि सिगरेट पी रही थी। अब अंजलि सिगरेट पीते 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 उसने तनीषा के मुंह पर फूक मार दिया, तनीषा बेहोश हो गई। वो विशाल तो गिर गया, तनीषा तो बेहोश ही हो गई। अंजलि कह रही इसी को कहता है पावर। अब तनीषा ने केस कर दिया अंजलि के ऊपर, सेम सिचुएशन हुई। तनीषा कह रही सर जज साहब मैं वहां खड़ी थी, अंजलि मेरे पास आई, बात करी और मेरे फूक पर सिगरेट फेंक रही, या मैं उसके पास गई कुछ पूछने, इतने में मेरे मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंक रही। ठीक है जी। अब अंजलि कह रही सर मैंने नहीं बुलाया था इसको, ये खुद ही आई मेरे पास। तनीषा कह रही कि मैं सर वही, मैं गई उसके पास, सिगरेट पी रही थी, फेंक देती या साइड में पी लेती, मुंह में धुआं फेंकने की जरूरत थी। अंजलि कहने लगी कि सर मैं मुंह पे धुआं नहीं फेंक रही थी, मैं तो सामने फेंक रही थी, यही सामने आई। तनीषा कहने लगी सर एक बार चलो ठीक है, बार बार तो गलत है ना। अब यही रेफरेंस पहले हुआ है, यही अब केस ऐसे ही पहले हुआ था जिसपे डिसीजन ये आया था कि अगर कोई जानबूझकर सिगरेट को मुंह, सिगरेट के धुएं को किसी के मुंह पे जानबूझकर फूंकता है तो ऐसे में 10,000 का चालान लगेगा। सेम केस एप्लीकेबल होकर 10,000 का चालान बन जाएगा। किसी भी कानून में नहीं लिखा, किसी सेक्शन में नहीं लिखा, केस स्टडी केस लॉ पे रेफरेंस को देकर हमने वो जज साहब ने डिसीजन दिया, इसको कहते हैं केस। आया समझ में? अब क्या होता है केस लॉ। अब इन फ्यूचर ऐसा बार बार होता रहेगा, सेम कौन सा वाला केस लगाया जाएगा,
विशाल और सत्यम वाला केस, विशाल वर्सेस सत्यम वाला केस लगाया जाएगा कि भाई ऐसे केस के अंदर ये डिसीजन होना चाहिए और इतनी की पेनल्टी लगनी चाहिए। सिमिलरली ये केस था बालफर वर्सेस बालफर, और बालफर और बालफर दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ये कास्ट है, मिस्टर बालफर मिसेज बालफर हस्बैंड वाइफ थे, ये कास्ट है दोस्तों। देखिए जो पर्सन केस करता है, सुनिए ध्यान से, जो पर्सन केस करता है, जैसे विशाल ने सत्यम पे केस करा तो उसको प्लेंटिव कहेंगे। अब सत्यम पे केस हुआ तो सत्यम उसको डिफेंड करेगा, तो जो पर्सन डिफेंड करता है उसको डिफेंडेंट कहते हैं। अब क्या हुआ इस कहानी को सो, इसको लिख लेनी है आप, ठीक है ना, मिटो रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा। जो पर्सन केस करेगा वो प्लेंटिफ होगा, और जिस पर्सन पे केस किया जाएगा वो डिपेंड करेगा, तो डिपेंडेंट। बालफर वर्सेस बालफर वाले केस में क्या हुआ सर, एक जगह थी श्रीलंका में सीलोन, सीलोन एक जगह थी श्रीलंका में, स्पेलिंग भूल गया, YLON, सीलोन एक जगह थी कहां पर दोस्तों, श्रीलंका में एक जगह थी सीलोन करके, ये हस्बैंड वाइफ सीलोन में रहते थे, श्रीलंका में रहते थे, इनकी शादी हो रखी थी, हस्बैंड वाइफ तभी तो है, तो ये गए हॉलिडे विजिट करने, विजिट फॉर हॉलिडे, हॉलिडे विजिट करने कहां गए, इंग्लैंड, ये इंग्लैंड गए घूमने, दोनों के दोनों हॉलिडे विजिट करने, ये दोनों के दोनों कहां गए दोस्तों, इंग्लैंड गए। यहां पर क्या हुआ, जब घूमने की बात आई तो जो इसकी वाइफ थी मिस्टर बालफर, मिस्टर बालफर जो थी, सॉरी मिसिज बालफर, मिसिज बालफर जो थी उसकी तबीयत खराब हो गई दोस्तों, अनहेल्थी, इसकी तबीयत खराब हो गई, बेचारे घूम पाए नहीं और तबीयत वबीयत खराब हो गई, तो काफी टाइम तक तबीयत खराब रही। अब भाई मिस्टर बालफर को जो इसका हस्बैंड था उसको वापस आकर अपना काम भी देखना था भाई, इतने दिन की छुट्टी नहीं, मान लो अगर एक हफ्ते के लिए गए हैं तो एक हफ्ते में इन्होंने घुमा होगा एक दो दिन, उसके बाद तबीयत खराब होगी बेचारी लड़की, अब वो वहीं रही, अब उसको एक हफ्ते में वापसी ऑफिस ज्वाइन करना होगा, तो वापसी चाहता है कि वो वापसी इंग्लैंड जाना चाहता है, तो मिस्टर बालफर ने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है तुम यहीं इंग्लैंड में रहो, मैं तुम्हें खर्चा पानी देता रहूंगा, मैं वापसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे और भी काम है। ये अपनी बीवी को छोड़ाया वहां पर और कहा मैं इसके लिए आपको आपके खर्चा रोजाना वगैरह पे करता रहूंगा, ये वापसी जा रहा है, तो इसने एडवाइस दी, एडवाइस टू स्टे, कि आपकी तबीयत खराब है तो आप इंग्लैंड में ही रहो, ये ज्यादा बेटर रहेगा, इतना लंबा दूर का सफर आप तय नहीं कर पाएंगे, तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए आप इंग्लैंड में रहो, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वापसी आ जाना, तब तक के लिए मैं आपको पैसे भिजवाता रहूंगा। अब भाई मिसिस बालफर ने कहा कि भाई कितने पैसे भिजवाओगे, तो मिस्टर बालफर ने कहा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 30 पाउंड मैं आपको पे करता रहूंगा फॉर योर मेंटेनेंस एक्सपेंस, आप वहां पर अच्छे से रह पाए इसके लिए मैं आपको 30 पाउंड दूंगा। अब बच्चा कह रहा होगा 30 पाउंड तो यार कुछ भी नहीं होता, तो आप ये भी देख लीजिए कौन से साल का केस है, 1991 में 30 पाउंड बहुत होता है, उतने में 30 पाउंड आप पैदा भी नहीं होंगे तब, तो 1991 भी नहीं हुआ था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1996, मैं भी पैदा नहीं हुआ था उस टाइम पे, 1 रुपया भी बहुत होता था, 30 पाउंड की बात हो रही है, ठीक है जी बताओ। अब मिस्टर बालफर ने मिस बालफर से कहा कि ऐसा है
मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 30 पाउंड भेजूंगा आपके मेंटेन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस एक्सपेंस बोल सकते हैं आप इसको, कि रहने खाने पीने का सभी खर्चा मेंटेनेंस एक्सपेंस। और इस बात पे ये दोनों एग्री हो गए, इसने कहा मैं 30 पाउंड भेजूंगा, वो कह रही ठीक है आप 30 पाउंड भेज देना, मैं यहीं रुक जाती हूं, जब मैं ठीक होंगी तब मैं वापसी श्रीलंका आ जाऊंगी। भाई अगला लड़का लड़की छोड़कर निकल लिया। अब जैसी ये निकला, एक दो महीने की बात हुई होगी, भाई ये फोन घुमाती कि भैया वो 30 पाउंड भेजवा दो, मेरा खाने वाने का थोड़ा दिक्कत आ रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद लड़का नाट गया, मैं नहीं भेजूंगा 30 पाउंड। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं हो गया ये, देखो ना, एक श्रीलंका में रह रहा है, एक इंग्लैंड में रह रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया, लड़ाई झगड़े ज्यादा होने लगे कि तुम मेरी केयर नहीं करते। वो कह रहा वहां से कैसे केयर करूं, तुम मेरी मन की बात नहीं समझ सकते। वो कह रहा भाई वहां से कैसे समझूं मन की बात, तुम्हें पता भी है क्या हुआ है मुझे? वो कह रहा नहीं पता। कह रहे ऐसे ही तो हो तुम, तुम्हें जानने की जरूरत कोशिश ही नहीं करते। ऐसे ऐसे करके लड़ाई होती गई, तुम ऐसे ही हो, तुम फोन भी नहीं करते, मुझे फोन करना होता है बार बार। वो कह रहा है मैं अपने काम पे होता हूं, तो काम ज्यादा जरूरी है या मैं ज्यादा जरूरी हूं, बताओ। हालत देखो, आप समझ सकते हैं कि कैसे किस लेवल पे बातें होती होगी। तो ऐसे में भाई बेचारा परेशान हो गया, बेचारा परेशान हो गया, ये समझे ना, कह रहे तुम नहीं समझ सकते मुझे, मैं तुम्हारे साथ गलत शादी कर ली, तुम गलत फंसा दिया मेरे माँ बाबा ने मेरे तुम्हारे साथ, इससे अच्छा कोई अच्छा लड़का देखा था मैं उससे कर लेती शादी। भाई वो बेचारा बहुत परेशान, एक तो अपने काम की टेंशन लिए, ऊपर से ये वाला परेशान कर रही है, तुम्हें पता भी है मैंने खाना नहीं खाया 2 दिन से। अरे तेको किसने रोका है नहीं खाने को, खा लेती, मैं क्यों खाऊं खाना, तुमने खिलाया मेरे को अपने हाथों से। अरे वहां से कैसे खिलाएगा अपने हाथों से, तू खा ले। तो भैया यही वाली बात है, लड़कियां लड़कियां, ह्यूमंस आर ह्यूमंस, लड़कियां लड़कियां होती है। अब वो नहीं मानी, अब इसको गुस्सा आ गया बेचारे को, वो कहने लगा कि मैं नहीं दूंगा पैसे। अब डिफरेंसेस आने लगे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा, अब वो फोन उठाना बंद करने लगा, ये कह रही पैसे भेजो 30 पाउंड। वो कह रहा मैं नहीं भेजता, जा जो करना वो कर ले, मैं भेजूंगा ही नहीं। तो डिफरेंस ज्यादा आने की वजह से डिफरेंसेस ज्यादा आने की वजह से उसने मना कर दिया कि मैं अब पैसे नहीं भेजूंगा, रहना है रह, 5 दिन खाना नहीं खाएगी 6 दिन और मत खा, मेरी तरफ से मत खा, मेरी तरफ से मत खा, मैं नहीं पूछने वाला, फोन मत कर दिया, ब्लॉक मार दिया भाई लड़के ने, कह रहा मैं नहीं करूंगा मन मेरी तरफ से। अब खाना नहीं खिलाया तुमने अपने हाथों से, वो श्रीलंका में है, वो इंग्लैंड में है, वो खाना खिलाएगा अपने हाथों से, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब उसने गुस्सा आ गया उसको, अब वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा पैसे, डिफरेंसेस ज्यादा आने लगे, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होने लगा, तो अब उसने मना कर दिया बालपर ने कि मैं नहीं दूंगा। अब लड़की तेज, लड़की ने कोर्ट में केस कर दिया, लड़की ने कोर्ट में केस कर दिया, और कोर्ट में केस करके ये कहा कि इसने मुझे ऑफर दिया 30 पाउंड का, और 30 पाउंड देकर ये कहा कि तुम यहां स्टे कर लो, मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड देता रहूंगा, और मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, हमारे बीच में हुआ एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट हुआ, पर आज मैं आपके लिए आग सामने खड़ी हूं केस करने के लिए, तो इन्फोर्सिबिलिटी भी है, तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी मिलकर बनता है कॉन्ट्रैक्ट, तो इस हिसाब से मेरे पैसे रिकवर करवाओ। जज साहब ने कहा, जज साहब को कहा ऐसे मिसिस बालपर ने कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, और हमारे बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये मुझे 30 पाउंड हर महीने भेजेंगे, और मैं उस पे मेंटेनेंस सस्पेंड करके यहां इंग्लैंड में स्टे करूंगी। तो जज साहब ने डिसीजन दिया इन फेवर ऑफ बालपर, मिस्टर बालपर के फेवर में डिसीजन दिया, और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये वाला केस कवर नहीं होता, दिस इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कमर्शियल एग्रीमेंट कवर होते हैं। तो जज कोर्ट की जजमेंट आई, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज
नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये कमर्शियल नेचर नहीं है। दिस एग्रीमेंट इज नोन एज डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ये दोस्तों एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। तो मिसेज बाल पर केस ही नहीं कर पाएगी, जब सामने मार के भगा दिया, मार के तो नहीं कहा, मिसेज बालपर को बोल दिया कि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप इस पे केस नहीं कर सकते, केस ही नहीं कर पाएंगे, इनफोर्सिबिलिटी ही नहीं है। इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है इसलिए इनफोर्सिबल नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज द केस ऑफ मिस्टर बालपर वर्सेज मिसेज बालपर। इसमें मिस्टर बालपर जीत गए, जीत क्या गए, वो केस ही नहीं कर पाएगी यार, डोमेस्टिक एग्रीमेंट का केस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता। लो जी बताइए सर, देखिए अब ये किस केस में जाए, ये इनको लॉयर बताएगा, एडवोकेट बताएगा, ये किस केस में जाकर केस करे, अपना पैसा मांगे, रिकवर करे, डिवोर्स ले, वो आगे की कहानी हमें नहीं जाननी। हमें तो बस इतना मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं लिखा डोमेस्टिक एग्रीमेंट के। तो मिसेज बाल पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत केस नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कह सकती ये कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे आपका रिवॉर्ड दिलवाओ या मुझे जो भी मेरा वो प्रॉब्लम हुई है उसको सॉल्व करवाओ। भाई तू किसी और एक्ट के तहत या तू किसी और एक्ट के तहत केस कर ले, है ना, वो अलग मैटर है, वो जिस मर्जी से करे, हमें क्या मतलब। बट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो 30 pound नहीं लेगी, 30 pound इसकी गर्दन दबा लेगी, हो देख लियो तू, इसकी जितनी प्रॉपर्टी ना आधा हिस्सा उसका होगा, वो गर्दन दबा लेगी और लठवट ओढ़ पड़ेंगे इसके वो नहीं छोड़ेगी बिल्कुल भी। वो बाबू को धन से थाना खिलाएगी, अब बाबू तो धन से थाना खिलाएगी, तो बता रहा हूं मैं आपको, तो उतला बल के खिलाएगी, वो अलग मैटर है। पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, दिस इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। लो जी क्या आपको समझ में आया बालपर वर्सेस बालपर का केस? बहुत बढ़िया दोस्तों, अब हमारे पास जो रह गया ये आप उतार लीजिएगा दोस्त, वीडियो देखकर आराम से, रिकॉर्डेड में वीडियो देखकर उतार लेना। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपको बता दूं एक बार, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों हमारा है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो वैलिड होते हैं, कोई वैलिड नहीं होते। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है वो वैलिड है? तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे हम, इसका सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 हमें बताता है कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बड़ा है, इसके अंदर पहला पॉइंट एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेगी। एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, पार्टी आर कॉम्पिटेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट आर नॉट एक्सप्रेसली टू बी डिक्लेयर वॉइड, सर्टेनिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल ऑब्जेक्टिव एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड देन जाकर ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा फिर, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पे, और सारा का सारा हम इसको खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। नोट्स में आपको भेज दूंगा अभी। सर आप इको की क्लास शो नहीं हो रही है, ऐप में इको की क्लास शो नहीं हो रही। अच्छा हो जाएगी, हो जाएगी। चलिए लॉ की क्लास तो यहां पर खत्म हो गई है, ठीक है।